हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडियो पे। दोस्तों, हमारी 2 मार्च की और 3 मार्च की दोनों की दोनों शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं एसएससी टीयर 2 की। और जिस तरह से अभी तक देखा गया है तो एसएससी ने कोशिश की है कि दोनों के दोनों लेवल को मेंटेन रखा जाए। इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या सेफ स्कोर रहेगा और क्या अटेम्प्टेड क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, अभी तक का जो डाटा मिला है, जैसे कल का तो पूरा डाटा मिल गया और अभी शाम के 6 बजे तक का जो भी डाटा मिला है, क्योंकि पेपर मोर और लेस बहुत सेम था। जितने भी स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आए, प्लस फीडबैक फॉर्म दिया गया, प्लस और भी जगह से सोर्सेज से मैंने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। तो इसी करके आप लोगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन लाने के लिए कि क्या है, कितना किया जाए, कैसे था, क्या नहीं था, आप कहेंगे तो जो लोग चाहते हैं तो कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो उसकी वीडियो भी हम बना देंगे अगर आपकी वो रहेगी। लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कंप्यूटर को एग्जाम को लेकर कि उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके अंदर और भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। और साथ में आपका ये डाउट था कि सर मैंने इतने की स्ट्रोक्स कर दी है, तो जिनको ये डाउट है मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट में अपने डाउट डाल दीजिए, हम आपको बता देंगे की स्ट्रोक्स कितने आए, कितने पे वो है क्वालिफाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बावजूद भी मतलब फंसे हुए। ठीक है, चलो पहले तो हम दोनों दिनों का आपको ये बता दूं कि एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के पिक्चर को थोड़ा कम करने के लिए बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने आज की 3 मार्च की और 2 मार्च की दोनों की शिफ्टें एक जैसी रखी है। और मैं ये अजम्पशन, क्योंकि अभी जो आपको सेफ अटेम्प्ट सेफ स्कोर ये सब बताने वाला हूँ उसके बेस पर डाटा ही बताऊँगा किस किस ने डाटा में क्या कहा। मैं आपको पहले से ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं जैसा होगा भी, क्योंकि CGL के Tier 1 में भी ऐसा हुआ था। हमारा एजम्पशन क्या है कि ऐसा ही सेम पैटर्न आपका सेम आपका रिपीट होगा कि आपका ये 6th और 7th of March को भी। पहला एजम्पशन ये है कि ये रिपीट होगा तो बिल्कुल इसी के लेवल पे जाएगा, फिर हम किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस अजम्पशन को दोस्तों लेके चलना। अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं किन किन लोगों ने अकॉर्डिंग टू डाटा कि किस किस ने कहा, कितना उन्होंने अटेम्प्ट किया, कितना इन्होंने इजी और मॉडरेट के हिसाब से। पहले मैं आपको चीजें समझा दूं, है ना। पहले मैं आपको समझा देता हूं कितने लोगों ने स्टूडेंट्स को जो डाटा में परफॉर्म किया, कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि वो पेपर इजी था, कितने ने कहा मुश्किल था, जो भी फीडबैक फॉर्म आए हैं, जितना भी हमारा एनालिसिस हुआ है। तो मैं अगर आपको ये बताता हूं 2 मार्च का, है ना, 2 मार्च का अगर मैं एनालिसिस देखूं तो मेरा रीजनिंग, है ना, ये हो गया रीजनिंग। यहां पे मैं लिखता हूं कि इजी कितनों ने बताया, कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि वो इजी था, किसने स्टूडेंट्स ने कहा कि वो मॉडरेट पेपर था, और कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि वो पेपर आपका सर, है ना, टफ था। ठीक है, ये आपका 2 मार्च का पेपर की कहानी समझो। तो रीजनिंग के लिए बहुत सारे आपके क्या है, 44% बच्चों का ये कहना है कि सर वो पेपर इजी था, आराम से हम 26-27 क्वेश्चन कर पा रहे थे। ये फैक्ट है दोस्तों, रीजनिंग इजी था, सब ऐसा 44% ने कहा। मॉडरेट कहने वाले दोस्तों ये 54% था। देखो मतलब आप खुद ही देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट कहने वाले 98% है, सिर्फ 2% बच्चे थे जो ये कह रहे थे टफ, है ना। अभी 2% कौन होंगे, देखो जिन्होंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की होगी, कुछ किसी 1-2 क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम लगा दिया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो मतलब आप देखो डाटा देख के ही समझ सकते हो कि ये इजी था कि नहीं। ये आपका है 2 मार्च का, मैं 3 मार्च का भी अलग से दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका रीजनिंग के बाद उन्होंने क्वांट की बात कही कि मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि इजी था, मुश्किल था। मैथमेटिक्स दोस्तों बहुत अजीब बात है, लेकिन आपका 74% स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैथमेटिक्स तो बहुत ही इजी थी, मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत मुश्किल नहीं है, आपके स्टैट्स की भी कहानी वैसे ही है। आप, मैं फिर कहूँगा अगर आप कहोगे कि किस में क्या बनाया, मैं उसकी वीडियो प्रेजेंट करके बना दूंगा, हमारे पास और भी दिन है, और बच्चों के काम आएगा और स्टूडेंट्स के काम आएगा। तो मैथमेटिक्स इन्होंने कहा 25% स्टूडेंट ने कहा कि मॉडरेट है, है ना, 25% ने। तो टफ किसने कहा, अरे भाई ये पॉइंट में थे, कुछ पॉइंट में थे, देखो ये 99 तो यही हो गए, तो इसको मैं अप्रॉक्स 0.2 कुछ आ रहे थे, तो मैं आपको 0% ही लेके चलूँ, मतलब किसी को मैथमेटिक्स टफ नहीं लगी है दोस्तों। तो आप कह सकते हो मैथमेटिक्स का पंगा बचा ही नहीं है। आ जाते हैं उस चीज पे, किस पे, जनरल अवेयरनेस पे, है ना, खेल तो यहीं से शुरू होता है आपका, जनरल अवेयरनेस की कहानी बताइए सर। GK, तो GK दोस्तों आपका सिंपल सिंपल सिर्फ 2% स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था इजी है,
सिर्फ 2% स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि पेपर इजी है अभी तक के आपके एनालिसिस के हिसाब से, और ये थर्ड सेकंड मार्च का, और मोस्टली इतना हो गया, काफ़ी अच्छे ज़्यादा क्वांटिटी में किया। आपको क्या लगता है आप भी आप कमेंट बता सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है क्या कि इतने परसेंटेज है, आप कौन से परसेंटेज में हो और आपने कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं टोटल मिला के। टॉपिक वाइज बता सकते हैं आप कि इस सेक्शन में हमने इतने किए थे, उस सेक्शन में इतने किए थे, ठीक है। मॉडरेट कहा है 50% ने कहा कि सर ये मॉडरेट था, और आपका 48% स्टूडेंट ने जीके को टफ बताया है। इसका मतलब दोस्तों टफ तो होगा, है ना, टफ तो ये अच्छा खासा है, ये हम सब जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन है, तो आप तुक्के मारने की कोशिश कम कीजिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये मेरी बात संभल के चलिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, और फिर इंग्लिश की कहानी कह लो दोस्तों, इंग्लिश भी आपके उसी तरह से 25% स्टूडेंट ने कहा कि ये ईजी थी, 25% स्टूडेंट्स ने कहा ये ईजी थी, और आपका 72% स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये मॉडरेट थी, मतलब किया जा सकता। फिर देख सकते हो 97% यहीं पे हो गया, है ना, 97% मतलब पॉइंट में था कुछ, इधर 3 समथिंग है उसको, मोटा मोटा में 4% स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टफ थी। ये 2 मार्च का आपका कैलकुलेशन है। 3 मार्च का बिल्कुल इसी की तरह है आपका। फिर जो बच जाता है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के बारे में लोगों ने क्या कहा, कंप्यूटर देखो 7% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था इजी है, ठीक है। 40% स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कंप्यूटर वॉज मॉडरेट, क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन्होंने कि जो कुछ फुल फॉर्म थे, कुछ आपके शॉर्टकट्स पूछे गए थे, वही चीज़ आती है। और 53% लोगों ने कहा सर ये टफ थी। आप देख सकते हो जीके से ऊपर भी आपकी, जीके से ऊपर जनरल अवेयरनेस से भी ज़्यादा कंप्यूटर को टफ बताया है, लेकिन कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग है। आप लोग बहुत कह रहे हो कि सर नॉर्मलाइजेशन होगी इसमें, कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एसएससी ने बस ये कहा है कंप्यूटर में कि जो लोगों को, जो पहले सीपीटी वाली पोस्ट हुआ करती थी, जैसे आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीपी, है ना, एसएससीएसएस में हुआ करते थे, या फिर आपके जो सीपीटी दिया करते थे जैसे एक्साइज में, इन प्रिवेंटिव ऑफिसर में, इन सब में जो बनाया जाता था, तो उनके लिए कंप्यूटर की जो कट ऑफ है, जो कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको ऊपर रखा जाएगा। कितना ऊपर रखे गया जाएगा ये नहीं, तो कुछ लोग आपसे कह रहे हैं 20 में से 12 तो करके आने ही आने हैं। भाई ये सब अनुमान है, घबराओ मत, ठीक है, ये सब के सब आपके अनुमान है, अंदाज़ा है। वो रखने को 10% ज़्यादा रख सकती है, 40% रख सकती है, 50% रख सकती है, रखने को 90% भी रख सकती है, तो आप इस बात को नहीं कह सकते, पहले समझो, ठीक है। ये हमारा सेकंड मार्च का था दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड मार्च का भी अभी तक जो डाटा आया है, थर्ड मार्च का अभी तक जो डाटा आया है उसके हिसाब से मैं आपको यही बताता हूँ यहाँ पे, थर्ड मार्च इजी मॉडरेट। तो आपका रीजनिंग, क्योंकि लोगों को पता चला रीजनिंग ये है, तो ये भी आपका दोस्तों अभी तक 47% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रीजनिंग इजी ही थी, है ना। टफ तो बोलने वाले इस वाले शिफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है, टफ बोलने वाला बिल्कुल इस वाले शिफ्ट में कोई बचा नहीं है। बाकी आपके 53% ने थर्ड मार्च को कहा कि सर ये इजी ही, मॉडरेट ही थी, ठीक है, ओके। अब मैथमेटिक्स की बात कर ले, मैथमेटिक्स तो देखो इस बार तो, और क्योंकि देखो एक माइंड फ्रेम हो जाता है, चीज़ों को पता लग जाता है कि अच्छा ऐसा आने वाला है, तो उसी माइंडसेट से जाते हैं तो उन्हें चीज़ें और आसान लगती हैं। इस बार मैथमेटिक्स में आपके जो हैं 75% स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो ईजी ही थी, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन नहीं बताते उतना एसएससी के डर से, लेकिन बिल्कुल बता दिया सिर्फ बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, और बाकी आपके मॉडरेट बोलने वाले 25% ही थे, है ना, थर्ड मार्च को। ये फिर दोस्तों यहाँ पे 0%, क्योंकि देखो उन्हें पता लग गया था रीजनिंग, है ना, टफ बोलने वाले 0 ही, क्योंकि वो बहुत बेसिक था, असेसन रीजन के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लोग हमेशा करके आते ही हैं। जनरल अवेयरनेस अगेन सिर्फ 3% लोग थे जो कह रहे थे कि सर टफ है, 51% आपके वो कह रहे थे कि सर जो है वो आपको मॉडरेट मान जाएगा, 54 यहीं लग गया, तो बाकी बच गया आपका दोस्तों 46% कह रहे हैं, मतलब आपकी जीके तो टफ आ रही। अच्छा एक फ़ायदा भी जीके, देखो आपको क्या है, 2-3 चीज़ें स्ट्रांग हुआ करती थी, वो स्ट्रांग करनी थी, और जीके तो हम लोगों को हमेशा धोखा देती रहती है, तो अच्छा है उन लोगों के जिनकी जीके वीक है अगर ये, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपका कट ऑफ स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि जीके में ज़्यादा आपका रेंज नहीं मिलेगा ज़्यादा अच्छा करने को, ठीक है। सेम भी आपका इंग्लिश में भी इस बार इंग्लिश के कुछ लोगों ने कहा कि सर 24% ने कहा कि इजी थी, मॉडरेट कहने वाले आपके ये 74% लोग हैं, ठीक है, तो 74% 2% ही ने कहा आपका कि सर ये टफ थे। कंप्यूटर सेम गोज विथ, लेकिन कंप्यूटर में इस बार जो है ना इजी कहने वाले थोड़े से ज़्यादा थे, है ना, 9% लोगों ने कहा इजी है, मॉडरेट कहने वाले दोस्तों आपके 38% ने कहा कि ये मॉडरेट है, और आपके 53% ने भी कहा, मतलब कंप्यूटर तो टफ ही आ रही है। ये मैंने पूरा आपको एनालिसिस कर दिया, अब इसके बेस पे एक सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट्स
क्या होंगे हम इसकी बात कर लेते हैं ना बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये तो आपका पूरा एनालिसिस था कितने परसेंट क्या कहते हैं, तो इससे पता लग सकता है आपको है ना कि क्या पेपर ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेफ स्कोर की है ना, सेफ अटेम्प्ट किसे कहा जाएगा, कितने मार्क्स को सेफ अटेम्प्ट कहा गया है, पूरा डाटा है हमारे साथ, डोंट वरी। ठीक है, सेफ स्कोर या फिर गुड अटेम्प्ट की बात कर सकते हैं, गुड अटेम्प्ट, और उसी से मैं आपको बताऊंगा कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आसपास क्या रहेगी। देखो दोस्तों मैथ्स में जो लोगों ने आसान कहा है, मैथ्स में आप इजीली है ना एक सेफ अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट्स की कहानी है। तो अगर आप दोनों दिनों में, दोनों का एक ही लेके चल रहा हूं मैं, अगर दोनों दिनों में अगर आपने 20 है ना 21 से लेके 24 क्वेश्चन सही किए हैं, 30 में से सही किए हैं, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही किए हैं, तो आपने गुड अटेम्प्ट, इतने अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए। सेम वे आपका रीजनिंग, रीजनिंग क्योंकि इजी है ना, तो आपने 24 से 25 ये अच्छा इसको 21 से नहीं 22 से 24 लेके चलो, 24 से 25 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इतने आपने किए हैं तो आपका इस मतलब अटेम्प्ट गुड है, गुड है मतलब कंफर्म है, आपकी सीट तो कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता, अभी बताऊंगा 1000 रैंक के अंदर आने के लिए है ना। इंग्लिश में यही कहानी दोस्तों, इंग्लिश में अगर यही कहानी है तो 38 से 40 क्वेश्चन, अच्छा मैं बता दूं ये आउट ऑफ 30 क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ 30 क्वेश्चन है, और ये आउट ऑफ 45 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, तो ये डर मत जाना कि सर बहुत ज़्यादा कैसे हो गए। ठीक है, 45 क्वेश्चन पे से इतने क्वेश्चन की बात कर रही है। जीएस जनरल स्टडीज या फिर जनरल अवेयरनेस के लीजिए, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप 11 से 12 क्वेश्चन करके आ रहे हो, सच्ची में 11 से 12 क्वेश्चन करके आ रहे हो, सही करके आ रहे हो, खुश हो जाओ, तुम वन ऑफ द टॉपर्स में होगे है ना। कोई लोग कह रहे ना 16 कर रहा है 17 कर रहा है, उस पर मत जाना, नेगेटिविटी फैलेगी, बहुत ठीक से लेवल के सवाल आ रहे हैं वो होगा है ना। और कंप्यूटर में दोस्तों देखो कितना भी हो शॉर्टकट पूछा जा रहा है, कंप्यूटर को पूछ रहा है, आप आराम से है ना इसके 10 to 12 क्वेश्चन कर सकते थे, 20 क्वेश्चन आए थे, 10 to 12 क्वेश्चन कर सकते थे, क्वालिफाइंग नेचर का है ना, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आप पूरे देखो ये तो आपके ये टोटल 150 क्वेश्चंस बनते हैं है ना, 150 क्वेश्चंस में अगर आप टोटल 110 क्वेश्चंस करीब करीब करके आते हो, अच्छा ये क्वालिफाइंग है, इसका अपना ही लेवल है, ठीक है ये क्वालिफाइंग है, इसके 10 नंबर कम कर दो तो मतलब 100 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो 3-3 नंबर के, तो ये आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। तो इसी अटेम्प्ट के बेसिस पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, इसी अटेम्प्ट के लिए अगर आप देखो टाइपिंग भी है, टाइपिंग करके आना क्वालिफाई, उसके बाद की कहानी है सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि कितने नंबर फोड़ लो फिर टाइपिंग रहेगी। टोटल 390 मार्क्स का मतलब इसमें से आपका पुटवर्ड 390 मार्क्स का पेपर है ना। अब मैंने क्या कहा, करीब करीब 110 में से अगर आपके क्वेश्चन सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन हैं आपके, 100 बनते हैं, देखो किस में ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कम हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ, किसी में कम हुआ, हो सकता है किसी ने रीजनिंग में पूरे मारे हों, मैथ्स में पूरे मारे हों, इंग्लिश में पूरे मारना थोड़ा मुश्किल है, टॉनिसन जो भी है, जीके में तो मार नहीं सकता, ये बात अलग ही कहानी है, हम सब जानते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने क्वेश्चंस 100 किए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ या डाटा लेके आता हूँ, पेपर पे लिख के लाता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, तो थोड़ी मतलब सब्सक्राइब तो कर लो यार है ना। तो क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके 100 आपने बिल्कुल सही किए हैं आउट ऑफ है ना, आउट ऑफ 130 क्वेश्चन, अगर आपने 130 क्वेश्चन है टोटल आपके पास, 130 क्वेश्चन हैं, अगर आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब आपके दोस्तों 300 प्लस स्कोर कर रहे हो, आपकी जॉब कंफर्म है और आप विद इन 10,000 रैंक आओगे, ये कर लो, ठीक है, विद इन 10,000 रैंक आओगे कर लो। एक मोटी मोटी सी बात रहती है एसएससी की, किसी कट ऑफ में देख लेना कि अगर जितने नंबर का पेपर है उसका 80% अगर आप स्कोर कर रहे हो, जैसे 390 है, 390 को 400 मान लो, 400 कितना हुआ 80%, 320। अगर मैं आपको पेपर बता रहा हूं, अगर आप इस वाले पेपर में 320 प्लस स्कोर कर रहे हो, भाई आप लेस देन 1000 रैंक आओगे, ठीक है। अब देखो बात समझो कि क्यों कट ऑफ को मतलब इतने ये बोल रहा हूं, या कट ऑफ तो इससे 300 से और कम नहीं जाएगी है ना, ये जाएगी आपकी 270 के आसपास, ये फैक्ट है, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 19,000 वैकेंसीज है। लेकिन मैं 320 प्लस क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि देखो हम 4600 ग्रेड पे, अच्छा ये यूआर की बात कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं 4600 गेट पे या 4200 गेट पे की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं आपकी 19,000 हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल बल्क में है, उसी ने आपका वेट बढ़ा के रखा 20,000 करीब है ना। लेकिन आप बाकी वैकेंसीज को देखो जो है ना, जो बिल्कुल चाहत होती है, असिस्टेंट ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर है ना, असिस्टेंट सीएसओ, तो उनकी आप वो पोस्ट देखोगे तो दोस्तों वो फिर उसी के बाद आपसे
आपकी 4-5 हज़ार के आसपास वेरी कर रही है। तो आपको क्या है, 300 प्लस में आते हो, 300 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, तो उसमें आएगा एग्जैक्टली पोस्ट वाइज कट ऑफ, फोर्थ शिफ्ट आ जाती है, जब चारों दिन खत्म हो जाते हैं तो हम लेके आएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी चीज़ पे अलग आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या किसी चीज़ पे वीडियो बनाना हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं वीडियो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम टू टेल वे आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन। और देखो, डाटा भरने वाले एक और कहानी है, जो डाटा देते हैं ना, जो बच्चे स्टूडेंट भरते हैं, वो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो नहीं देते हैं डाटा, आपके देते वो हैं जो बहुत शान से खुश होते हैं। तो आप इस चीज़ को लेके चलो, है ना। तो इसमें अच्छा नेगेटिव मार्क्स भी आएंगे, लेकिन पूरा इंक्लूड करो, मतलब अगर आपके 300 नंबर आए, खुश हो जाओ और टाइपिंग अच्छी गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी कर लो, अब नौकरी तो पक्की है तुम्हारी। और 320 में तो अंडर 1000 रैंक आओगे, ये है। 300-270 भी आ रहे हैं, 270, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सफिशिएंट पूरा। 3 लाख बच्चों को में से 50,000 को नौकरी मिलनी है, ये कट ऑफ और कम जा सकती है, पिछले बार से कंपैरिजन करना और नहीं है, है ना, ऑथेंटिक नहीं है। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर। और याद रखना, CHSL भी आ रहा है, छोड़ना नहीं उसको, फोड़ना है।